हे दोस्तों, नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट और राइटर थे जिन्हें फॉर्चुनेटली चांस मिल गया था अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी कार्नेगी ने नेपोलियन के सामने एक बहुत ही सीरियस ऑफर रखा। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग लाइफ में फेल होने वाले हैं खुद से सब कुछ ट्राई करके सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में, लेकिन क्योंकि रियलिटी तो यह है कि सक्सेसफुल बनने के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए सेम है, जिसका लोगों को खुद अपना बहुत सा टाइम लगा कि सीखने के बजाय हम लोगों से सीख लेना बेटर होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी फिलॉसफी और बुक रेडी करो जिसमें दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों की विजडम और नॉलेज हो, जो लोगों को लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल बनने में मदद करे। मैं तुम्हें दुनिया के कुछ सबसे रिच इंसानों से इंटरव्यू लेने का मौका दिलाऊंगा उनसे कॉन्टेक्ट करा के, लेकिन हाँ, मैं तुमको इसके लिए बस ट्रैवलिंग के पैसे ही दूंगा और कुछ भी नहीं। सो क्या तुम ये ऑफर एक्सेप्ट करना पसंद करोगे? नेपोलियन ने बस कुछ ही सेकंड सोचने के बाद उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने 20 साल रिसर्च करी दुनिया के 500 सबसे रिच और सक्सेसफुल इंसानों का इंटरव्यू लेते हुए और एक कमाल की बुक बनाई, जिसकी समरी आज मैं आपको दे रहा हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर ने अमीर बनने के लिए या फिर कोई भी गोल अचीव करने के लिए 13 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, डिजायर। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपके अंदर रिच बनने के लिए चाहत होनी चाहिए। डिजायर मतलब किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा चाहत होना। डिजायर कोई विश नहीं होती, ना ही डिजायर कोई उम्मीद होती है। डिजायर मतलब वो चीज आपको किसी भी हालत में चाहिए और आपको अचीव करके ही रहोगे। थॉमस एडिसन एक इन्वेंटर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। एक आदमी था जिसका नाम था एडविन बार्न्स। बार्न्स थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। बार्न्स को इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही वो थॉमस एडिसन को जानता था, बट उसके अंदर उस चीज की इतनी ज्यादा चाहत थी कि वो किसी भी हालत में थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना ही चाहता था। उसने अपने आप से ये नहीं कहा कि मैं थॉमस एडिसन बस कोई अच्छी जॉब कर लूंगा, पर उसने ये कहा कि उसे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है और वो बन के ही रहेगा। जब वो थॉमस एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो एडिसन ने उसे जो भी काम किया उसने किया। शुरू में उसने उस ऑफिस में छोटे से छोटा काम किया। कई सालों तक उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसके अंदर अभी भी थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने के लिए चाहत थी। फिर कुछ टाइम बाद एडिसन ने अपनी डिक्टेटिंग मशीन इन्वेंट की। एडिसन के सेल्समैन ने कहा, ये डिक्टेटिंग मशीन नहीं बिकेगी, कोई इसे नहीं खरीदेगा। एडविन बार्न्स ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने एडिसन से कहा कि वो इस डिक्टेटिंग मशीन को बेच के दिखाएगा, और उसने बेच के दिखाई। बल्कि उसने उस डिक्टेटिंग मशीन की सेल इतनी बढ़ा दी कि थॉमस एडिसन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उस मशीन को पूरी कंट्री में बेचने के लिए। बस वहीं से बार्न्स और थॉमस एडिसन की पार्टनरशिप शुरू हो गई। बार्न्स के सक्सेस का बस एक ही सीक्रेट था, अ बर्निंग डिजायर। इस बुक में बताया है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारा ब्रेन वो सारी चीजें अट्रैक्ट करता है हमारे लाइफ में, और हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। इसका ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो 6 स्टेप्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी डिजायर को अचीव कर सकते हैं। स्टेप 1, डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए या फिर कितने पैसे चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियरली बताना है। आप इस तरह गोल सेट नहीं कर सकते कि मुझे अमीर बनना है। आपको बिल्कुल क्लियरली बताना है, जैसे 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, मतलब बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक। स्टेप 2, डिसाइड करो कि आप उस चीज के बदले में क्या दोगे। जैसे आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप उसके बदले में सेल्समैन की सर्विस दोगे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाओगे, जो भी सर्विस दोगे उसको लिख दो। स्टेप 3, अपने गोल के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो, एक एग्जैक्ट डेट जिससे पहले आपको अपना गोल अचीव करना ही है। स्टेप 4, अपने गोल को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाओ जिसमें क्लियरली बताओ कि अपना गोल कैसे अचीव करोगे। याद रहे, ये प्लान को बिल्कुल ठीक होना जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में भी जो भी प्लान आ रहा है आप वो लिख दो, क्योंकि आप इस प्लान को बाद में चेंज कर सकते हो। स्टेप 5, एक पेपर लो और उसमें अभी जितने भी चीजें बताई हैं सब लिखो। आपको जितना पैसा चाहिए, आप उसके बदले में क्या सर्विस दोगे, टाइम लिमिट और एक प्लान, ये सब एक पेपर में लिख दो। अब एक आखिरी स्टेप है जो मैं आपको इस बुक के स्टेप 3 में बताऊंगा, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। स्टेप 2, फेथ। डिजायर बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिजायर से कुछ नहीं होगा जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि अपने गोल को अचीव कर लोगे। बार्न्स एडिसन का पार्टनर इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी, लेकिन साथ ही उसे यकीन भी था कि अपना गोल अचीव कर लेगा। फेथ का मतलब ही बिलीफ है, मतलब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप अपना गोल अचीव कर लोगे। अपने अंदर ये बिलीफ लाने का बस एक ही तरीका है जो मैं आपको स्टेप 3 में बताऊंगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड जो सोचने का काम करता है, मतलब यूं समझ लो कि कॉन्शियस माइंड किसी शिप का कैप्टन है, और आपके माइंड का दूसरा हिस्सा जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं वो शिप का वर्कर है। वो सारे काम करता है
कॉन्शियस माइंड अपने वर्कर सबकॉन्शियस माइंड को जो भी काम देता है उसे फौरन करता है। जैसा ब्रश करते हो या फिर अपनी शूलेस बांधते हो, कपड़े पहनते हो, इन सब चीजों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें आप इतनी बार कर चुके हो कि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन कोई भी चीज पहले आपके कॉन्शियस माइंड से गुजरती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे आपने पहली बार जब शूलेस बांधी होगी तो आपको काम सोच के करना पड़ा होगा, लेकिन अब नहीं सोचना पड़ता। बस आपको यही चीज समझनी है, आपका जो भी गोल है या फिर आपको जितने भी पैसे चाहिए, आपको उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है, और ये आप ऑटो सजेशन से ही कर सकते हो। ऑटो सजेशन मतलब कि आप कोई भी चीज अपने आप से बार बार कहो, और फिर एक टाइम आएगा जब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। जैसे मान लो आप अपने बारे में सोचते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, हो सकता है कि बचपन में आपके पेरेंट्स ने या फिर किसी ने भी आपसे कहा हो कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और हो सकता है कि आपने इन बातों पर यकीन कर लिया हो, इसलिए ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं। अब जब भी पैसों की बात आती है तो आप बिना कुछ सोचे कह देते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपनी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठानी है, और इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जैसा सोचते हैं हम वही सब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अभी सोचें कि हम अमीर बन जाएंगे तो हम अमीर बनने लगेंगे। हम वो सब अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। डिजायर के चैप्टर में मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, उनके बाद ही 6 स्टेप फॉलो करके अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचा सकते हो। स्टेप 6, आपने जो कुछ भी पेपर में लिखा है उसे पूरे बिलीफ के साथ पढ़ो। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, वो भी साल खत्म होने से पहले, और आप बदले में यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाओगे, तो ये सब आप एक पेपर पर लिख दोगे और फिर उसे रिपीट करोगे। साल खत्म होने से पहले पहले मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, और बदले में मैं यूट्यूब पे बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करूंगा। और ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको विजुअलाइज करना है, मतलब आंखें बंद करके अपने माइंड में बिल्कुल वही सब कुछ देखना है जैसे आप चाहते हो। जैसे अगर आप 10 लाख रुपए चाहते हो तो पूरे एक सीन क्रिएट करो अपने माइंड में, उन 10 लाख रुपए को देखो, अपने माइंड में बिलीव करो कि आपके पास पैसे आ गए हैं। हर चीज को नोटिस करो, आप कैसा फील कर रहे हो, आप कितना एक्साइटेड हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, बिल्कुल एक असली वाला एक्सपीरियंस क्रिएट करो। बस आपकी विजुअलाइजेशन में आपके पास वो 10 लाख रुपए आ चुके हैं। अगर आपके पास सभी 10 लाख रुपए आ जाएं तो आप कैसा फील करोगे, बिल्कुल वही सब फील करना है, बिल्कुल वैसा रियल सीन क्रिएट करना है अपने माइंड में। ये स्टेटमेंट और ये विजुअलाइजेशन आप जितनी बार करो उतना अच्छा है, लेकिन एक बार सुबह फौरन उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले जरूर रिपीट करना, और इसके अलावा जितनी बार रिपीट करो उतना अच्छा है। याद रहे आपको स्टेटमेंट पूरे इमोशंस और बिलीफ के साथ पढ़ना है, ये वर्ड्स ऐसे ही पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको स्टेप में सिर्फ 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, आपको स्टेटमेंट बिलीव के साथ पढ़ना है, और नंबर 2, अगर आपको प्रोसेस कुछ अजीब लगे या फिर अपने स्टेटमेंट को बिलीव के साथ ना बोल पा रहे हो तो ये बात समझ लो कि शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको प्रोसेस करते रहना है, और आप करते रहोगे तो आप बेटर होते जाओगे। मोस्टली लोग कुछ दिनों तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इन मैसेजेस को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने में काफी टाइम लगता है, इसलिए करते रहना। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 तरह की होती है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में नॉलेज होना, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब किसी एक चीज के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज होना। जनरल नॉलेज आपके पास जितने भी हो उसका ज्यादा फायदा नहीं है। स्कूल में भी हमें जनरल नॉलेज ही पढ़ाई जाती है, तभी आजकल स्कूल और कॉलेज डिग्री ज्यादा काम की नहीं है। ऑथर हम इस बुक में ये भी नहीं कह रहे कि आप बहुत सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले रहे हो, ऑथर हम इस बुक में कह रहे हैं कि आप एजुकेटेड बनो। एजुकेटेड मतलब आप उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज भी करो, उस नॉलेज को यूज करके आप जो चाहते हो उसे अचीव करो। डिजायर के चैप्टर में जो स्टेप 2 था कि आप बदले में क्या सर्विस दोगे, बस आपको सर्विस के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज अक्वायर करनी है। जैसे अगर मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ तो YouTube पे मार्केटिंग किस तरह करते हैं, YouTube किस तरह काम करता है, मेरे पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ये सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज मेरे पास ही हो, मैं दूसरे लोगों को भी हायर कर सकता हूँ जिनके पास ये नॉलेज हो। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड की स्कूलिंग बहुत कम थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं थे। उन्हें लोगों को हायर किया और उनके पास इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी कि उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके माइंड में हो या आपकी टीम में किसी के पास हो,
बस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और फिर उस नॉलेज को यूज भी करो। स्कूल में भी आप जो सीखते हैं उसमें से 90% आप कभी यूज नहीं करते, इसलिए स्कूल और कॉलेज डिग्रीज बेकार हैं। बहुत से लोग बहुत सी बुक्स भी पढ़ते हैं, उनके पास बहुत सी स्पेशलाइज नॉलेज होती है, बट फिर भी वो एजुकेटेड नहीं है क्योंकि उस नॉलेज को यूज नहीं करते, उसके लिए डेफिनेट प्लान्स नहीं बनाते। बहुत से लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, जबकि नॉलेज बस पोटेंशियल पावर है। वो पावर तब बनेगी जब आप उसे यूज करेंगे। इसलिए दो चीजें याद रखना, एक तो आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन ट्रेनिंग लें या फिर दूसरे लोगों की हेल्प लें, और दूसरी चीज ये कि आप उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए प्लान्स बनाएं, और बेटर ये है कि आप इन प्लान्स को लिखें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना जो अभी तक हुई ना हो। डिजायर के चैप्टर में स्टेप 4 में मैंने आपको जो प्लान बनाने का कहा था वो आप इमेजिनेशन की हेल्प से ही बना सकते हो। इमेजिनेशन दो टाइप की होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब आप पुराना आइडियाज और नॉलेज को यूज करके कुछ बेहतर बनाओ, ये वाली इमेजिनेशन ही मोस्टली यूज करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब सिक्स सेंस। ये सिक्स सेंस मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि क्रिएटिव इमेजिनेशन यूज करके हम कुछ नया बनाते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो। इमेजिनेशन का यूज करके आप अपने लिए प्लान बना सकते हो। जैसे मान लो मैं YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाना चाहता हूँ, अब मैं प्लान बनाऊंगा सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज करके। मैं सोचूंगा कि मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूँ, कंटेंट कहाँ से लाऊं, मुझे पूरी वीडियो बनाने के लिए किन किन कामों की करने की जरूरत है, मैं वीक में कितनी वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, और ये सब नॉलेज और आइडियाज को यूज करके मैं एक प्लान बनाऊंगा। सिंथेटिक इमेजिनेशन हम बहुत यूज करते हैं। जैसे मान लो आप कंट्री से बाहर घूमने जा रहे हो, अब आपके पास जो पहले से नॉलेज है कि उसे यूज करके आप प्लान बनाओगे। आप सोचोगे कि यार बाहर जाने में कितना खर्चा होगा, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, टिकट कहाँ से करवाऊंगा, और ये सारी चीजों को दिमाग में रख के आप एक प्लान बनाओगे। हो सकता है कि आपका प्लान ठीक ना हो, लेकिन आप उस प्लान को बाद में चेंज कर सकते हो, इसलिए उस प्लान का बिल्कुल ठीक होना भी जरूरी नहीं है। हम अपनी इमेजिनेशन को जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतनी ज्यादा बेटर होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन मैं आपको आगे वाले स्टेप में डिटेल में समझाऊंगा। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सबसे पहले तो अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आप एक टीम हायर कर लो। डिसाइड करो कि आपके टीम को क्या फायदा होगा, मतलब आप उन्हें सैलरी दे सकते हो या फिर कुछ भी जिसके बदले वो काम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका टीम वर्क, आपको मिलकर ठीक से काम करना है। किसी दो ग्रुप मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो जाए या कोई ग्रुप मेंबर किसी दूसरे की बात ना सुने, उसकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं रखने। और स्टेप में ये भी ध्यान रहे कि आपके प्लान्स बहुत फेल होंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना और नए नए प्लान्स बनाते रहना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपने प्लान्स ऐसे बनाना जिनसे आपके कस्टमर्स को फायदा हो। आपको ऐसी सर्विसेज देनी है जैसे आपके कस्टमर्स को चाहिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही बॉस है, आपका कस्टमर। इसके अलावा आपको अपनी सर्विसेज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है। ज्यादा क्वालिटी में देना है और ज्यादा क्वांटिटी भी होनी चाहिए, और साथ ही आपको सर्विसेज अच्छे रीजन के लिए देनी है। मतलब अगर आप YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो आप ज्यादा कामयाब नहीं हो पाओगे। इसके बजाय अगर आप ये सोचो कि मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। आप अपनी सर्विसेज को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए अपने आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। क्या मैंने इस साल अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दी? मैं अपने कस्टमर्स को और ज्यादा अच्छी सर्विस कैसे दे सकता था? क्या मैंने इस साल ज्यादा क्वांटिटी में सर्विस दी या फिर मैं और ज्यादा क्वांटिटी में दे सकता था? मेरे और मेरे टीम मेंबर्स के रिलेशनशिप्स कैसे रहे? मैं अपने टाइम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकता था? मैं अपने पैसों को और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे यूज करता था? कितना टाइम मैंने फजूल चीजों में वेस्ट किया? मैंने इस साल क्या क्या गलतियां की और इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? और इस तरह के आप अपने आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपनी सर्विसेज को बेटर बना सकते हो। स्टेप 7, डिसीजन। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं उन सब में एक आदत ये होती है कि वो जब एक डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उसे आसानी से बदलते नहीं है। वो जिस चीज के बारे में कह देते हैं फिर वो उसे करके दिखाते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहते हैं। जैसे मैं भी कहूँ कि मुझे अपने एग्जाम्स के लिए स्टडीज करनी है और फिर 2 मिनट बाद मैं सोचूं कि यार मैं कल पढ़ूंगा, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तभी चेंज करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब बहुत से लोग अच्छे प्लान्स तो बना लेते हैं
लेकिन जब उन प्लान्स को पूरा करने की बारी आती है तो बार बार डिसीजंस बदलते रहते हैं और उस प्लान को ठीक से फॉलो नहीं करते। अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर एक बर्निंग डिजायर हो और आपके पास एक प्लान हो तो काफी चांसेस हैं कि आप अपने प्लान को फॉलो करेंगे। स्टेप ए, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब बिना गिव अप करे अपने गोल पे कंटिन्यूसली काम करते रहना। अगर अपना गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको गिव अप नहीं करना। थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए थे और उसके बाद जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप परसिस्टेंट बन सकते हो। पहला तो ये कि आपको अपना गोल बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके अंदर अपने गोल को पूरा करने के लिए बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। और आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिव चीज आती हैं उनसे बचो। नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचो तो आप परसिस्टेंट रह सकते हो। स्टेप 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड मतलब दो या दो से ज्यादा लोग अपनी नॉलेज का यूज करें और मिलजुल के काम करें कुछ अचीव करने के लिए। अब एक मास्टरमाइंड ग्रुप के दो फायदे हैं। एक तो ये कि आपको दूसरों का सपोर्ट मिलता है, उनकी नॉलेज का, वो जो काम करते हैं, इन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिलता है। और दूसरे फायदे को जरा गौर से समझना। देखो ये पूरी दुनिया सिर्फ दो चीजों से बनी है। एक तो मैटर मतलब वो सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, हमारी बॉडी, बुक, पेंसिल, जितने भी मटेरियल चीजें हैं सब। और दूसरी चीज है एनर्जी। एनर्जी का यूज करके हमारी यूनिवर्स उस सारी मटेरियल चीजें बनाती है। अब हमारे थॉट्स मतलब जो कुछ भी हम सोचते हैं वो भी एनर्जी है। फ्रेंड्स ये एक चीज इस पूरी बुक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उस वक्त हम एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, मतलब रिलीज कर रहे होते हैं, और फिर यूनिवर्स उस एनर्जी का यूज करके वो सारी मटेरियल चीजें बनाती है। इसलिए आप खुद ही सोचो, अगर सिर्फ एक पर्सन किसी गोल पर काम करेगा तो थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, लेकिन जब बहुत सारे लोग किसी गोल पर काम करेंगे तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। इसलिए टीम बनाना बहुत फायदेमंद है। स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इस पूरी बुक की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इस पूरी बुक की बेसिक है, वो ये है कि हमारा ब्रेन थॉट्स को रिलीज भी करता है और थॉट्स को रिसीव भी करता है। थॉट्स को रिलीज करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड को यूज करता है, जिससे फिर वो वैसी चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट भी करता है। मैंने आपको ऑटो सजेशन के स्टेप में बताया है कि आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके थॉट्स को कैसे ब्रॉडकास्ट मतलब रिलीज कर सकते हैं, जिससे वो चीजें आपकी लाइफ में भी अट्रैक्ट होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि थॉट्स रिसीव कैसे करते हैं, और ये जो थॉट्स रिसीव होते हैं इसी को क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। आपका माइंड वाइब्रेट करता है, और ये जब बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है तभी आपको थॉट्स रिसीव होंगे। ये थॉट्स यूनिवर्स और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से आपको रिसीव होंगे। अब माइंड की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, एल्कोहल या फिर लव की फीलिंग, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है सेक्स। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट सब हाईली सेक्स नेचर होते हैं। अब ये क्रिएटिव इमेजिनेशन का प्रोसेस काम किस तरह करता है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको स्टेप 13 में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि आप थॉट्स रिसीव करें उससे पहले आपके माइंड की वाइब्रेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसका एक तरीका है सेक्स। ये भी कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो है अपनी वाइफ को खुश करना। इसलिए सही पार्टनर चूज करना ही बहुत जरूरी है जिससे आप प्यार करते हो। स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ब्रेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हमारे लाइफ में चीजें अट्रैक्ट करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें स्टोर हुई हुई हों। और ये मैंने आपको ऑटो सजेशन के चैप्टर में बताया है कि आप कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे स्टोर कर सकते हो। स्टेप 12, द ब्रेन। आपका ब्रेन थॉट्स रिलीज करता है सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से, जिसे फिर आपकी लाइफ में भी वही सब होने लगता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन की हेल्प से आप थॉट्स रिसीव करते हो। स्टेप 13, द सिक्स सेंस। सिक्स सेंस का मतलब क्रिएटिव इमेजिनेशन, मतलब बिल्कुल नए आइडियाज रिसीव होना। और ये आइडियाज रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड की वाइब्रेशन बढ़ानी होगी, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा स्टेप है कि आप कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे थॉमस एडिसन जब इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट कर रहे थे तब वो 10,000 टाइम्स फेल हुए थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बल्ब कैसे इन्वेंट करें। फिर उन्होंने क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज किया। उन्होंने पहले अपने माइंड की वाइब्रेशन बढ़ाई और फिर स्टेप 2 फॉलो किया। उन्होंने अपनी डिजायर पर फोकस किया और फिर सोचा कि अब मुझे आंसर मिल जाएगा, और उन्होंने पूरे बिलीव के साथ उस आंसर का वेट किया। स्टेप 2 में बिलीव बहुत जरूरी है। आपको पूरा बिलीव होना चाहिए कि आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर उसी वक्त नहीं मिलेगा
आपको प्रोसेस कुछ दिनों करते रहना होगा और एक वक्त आएगा जब आपको आंसर मिलेगा और अचानक से मिलेगा। वैसे अगर आप चाहें तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये ऑथर ने खुद बुक में कहा है क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन कितनी ज्यादा नीड नहीं होती। तो अगर आपको नीड नहीं है तो आप ब्रेन को सिर्फ थॉट्स रिलीज करने के लिए मतलब सिर्फ ऑटो सजेशन को यूज करें। अब मैं आपको ऐसी 6 चीजें बताऊंगा जिनसे इंसान बहुत डरते हैं। अगर आप भी इन चीजों से डरते हैं तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। ये रहे वो 6 बेसिक फियर्स। फियर ऑफ पॉवर्टी मतलब गुर्बत का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब आपसे कोई कुछ बुरा ना कहे, आपके बारे में गलतियां ना निकाले, आपके बारे में कुछ बुरा भला ना कहे, इस चीज का डर। द फियर ऑफ इल हेल्थ मतलब इस बात का डर कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं। द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन मतलब इस बात का डर कि आपसे कोई प्यार करना छोड़ ना दे। द फियर ऑफ ओल्ड एज मतलब अपने बुढ़ापे का डर। द फियर ऑफ डेथ मतलब अपनी मौत से डरना। आपको इन 6 चीजों से बचना है वरना आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।